हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आई हूँ। जिन जिनने रेलवे ALP का साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था उनके लिए, तो आपने अगर साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था तो आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है कि आप उस थर्ड टेस्ट के अंदर क्वालिफाई है या फिर नहीं है। काफ़ी लंबे पीरियड आपका ये चला है। जैसे CBT 1 हुआ, उसके बाद CBT 2 हुआ, CBT 2 क्वालिफाई होने के बाद CBT 3 हुआ। अब आपका जो CBT 3 था, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो वेबसाइट पे जाकर, लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं कि आप क्वालिफाई हुए हैं या फिर क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैसे आपको चेक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिनका भी क्वालिफाई हुआ है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। अब बस आपका फाइनल राउंड बचा है कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा कवर कर पा रहे थे तभी आपने फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, बात रहती है मेडिकल के ऊपर, तो मेडिकल का भी आपको पता होगा कि मेडिकल में आप फिट बैठते हैं या फिर नहीं बैठते। अगर बाई चांस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नर्वस हो रहे हैं, जिनका साइको क्वालिफाई नहीं हुआ, जो थर्ड टेस्ट था वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपको वहाँ पर नर्वस नहीं होना है। यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो अगर आपका साइको क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपका टेक्नीशियन में नंबर आ सकता है। लेकिन बस CBT 2 के अंदर मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी हाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से टी स्कोर दिखाया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने ओपन किया है एक कैंडिडेट का। ये जो कैंडिडेट डिटेल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट की जो डिटेल होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम वगैरह, वो सब होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने हाइड किया है, ये कैंडिडेट डिटेल मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मैं यहाँ पर आपको ओनली इनका CBAT जो स्कोर कार्ड है उसकी बात करती हूँ कि स्कोर कार्ड किस तरीके से दिखाया गया है। तो देखिए, जो हमने 5 टेस्ट दिए हैं, जो भी आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसमें 5 बैटरी टेस्ट हुए थे, ये सबको पता है। तो 5 बैटरी टेस्ट में किस तरीके से इनका रिजल्ट दिखाया है, जैसे इस स्टूडेंट के लिए टेस्ट 1 में दिया है 52.39 मार्क्स, टेस्ट 2 में आया है 62.94 मार्क्स, टेस्ट 3 में है 47.13, टेस्ट 4 में आए हैं 54.84, टेस्ट 5 में है 50.188। मतलब जो टी स्कोर था वो क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, जितना भी मिनिमम उन्हें रखा गया था कि इतना होना चाहिए और एवरेज से अबव होना चाहिए, वो सब ये क्राइटेरिया पूरा कवर हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें नेक्स्ट दिया है कंपोजिट टी स्कोर में टोटल मार्क्स कितने बने हैं 267.50, और मार्क्स आउट ऑफ 30 क्यों बोला है इसने, कि जो आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पर बनेगी, कि 70% तो जो आपका CBT 2 हुआ था, और 70% मार्क्स तो उसके लिए जाएंगे, और 30% आपके इसके लिए जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के। तो दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होनी है। तो इस स्टूडेंट की यदि हम बात करें तो इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग टोटल 30 में से यदि देखा जाए तो इनके 20 मार्क्स बने हैं। और इनका स्टेटस क्या रहा है वो देखिए आपके सामने है, क्वालिफाइड। इसका मतलब है कि उनका एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई है। नेक्स्ट जो मेडिकल और फिजिकल होगा उनके लिए ये एलिजिबल है। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी दिक्कत आती है, रिजल्ट देखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हैं। मैं वहां से आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, पूरा बताऊंगी कि आपको किस किस तरीके से जाकर चेक करना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।